Hey fam, welcome back to the Dance Star. So we are back again with another video and आज हम cover करने वाले हैं कंगना losing her लोकसभा seat and इकरा हसन और साथ में जो भी ध्रुव राठी के अगेंस्ट जो केस चल रहा है डिफेमेशन का वो वाला उसका क्या सीन है तो मजा आएगा वीडियो कवर करने में। I mean like how can it be defamation when it is facts? ऐसे ही है भाई, अपने यहाँ ऐसे ही होता है। और ये वीडियो है बीइंग ऑनेस्ट की, तो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन जाके जरूर चेकआउट करना। लेट्स बिगिन और देखते हैं वीडियो कैसी है। Alright guys, so many discussions in parliament today and first time ever a Bobri spoke in the parliament और उसने अपनी सरकार से सवाल कर डाला। बड़ा एक कमाल की चीजें हुई है, सब कुछ बात करेंगे। Okay now, this is something really important. See, political debates चलती रहती है, आइडियोलॉजी की लड़ाई होती रहती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्री, देश। True. ना कोई पार्टी, ना कोई दल, yes, और ना ही yes, कोई व्यक्ति। नेता लोग उन लोगों को भी सपोर्ट करने लग जाते हैं जो देश विरोधी, देश को तोड़ने की बातें करते हैं, और नेताओं को समझना चाहिए कि ऐसा ना करें। So yeah guys, देश से बढ़कर कुछ नहीं। Now let's move forward. Let's talk about victim card. Because some people are actually masters of it. Victim card खेलने में तो उनका कोई जवाब नहीं। आइए बहना। In the same thing, if you talk about the common people, उनको कुछ होता है, कोई कुछ बोल देता है, कुछ होता है तो कहता है छोड़ो यार कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। उनको टैक्स भरने की चिंता होती है, इसलिए वो इतना कमाल का नहीं खेल पाते। पर नेता लोग कमाल का विक्टिम कार्ड, बट ये विक्टिम कार्ड बैकफायर कर जाता है तब जब आपको ये नहीं पता हो कि आपने पास्ट में क्या किया है और क्या बोला है। मोदी जी ने जब बोला था प्रधानमंत्री का गला दबाने की कोशिश, तो लोगों ने कहा मोदी जी बिना कारण बताए एक साथ इतने सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था, आपको तो सिर्फ बोलने ही दिया गया। वैसे ही एक और भाई साहब लाइमलाइट में आए, उनका नाम है मिस्टर सुरेश नाकुआ। यस, डिफेमेशन केस ऑन ध्रुव राठी। तो हुआ ये कि ध्रुव राठी ने अपने किसी वीडियो में मिस्टर सुरेश नकुआ को वॉयलेंट और अब्यूजिव बोल दिया, तो मिस्टर सुरेश नकुआ ने ध्रुव राठी के खिलाफ डिफेमेशन केस फाइल कर दिया। ये नॉर्मल क्यूरियोसिटी है कि किसी ने किसी को कुछ कहा है तो ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे रीजन क्या। तो लोगों ने इनके पुराने ट्वीट पढ़ना शुरू किए भाई, जो बहुत ही खतरनाक। मैं हैरान हूं जी, अगर मैं वो ट्वीट बिना बीप लगाए पढ़ना शुरू करूंगा तो ये वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। आई मीन दीज ट्वीट वेंट वायरल एंड इफ आई स्टार्ट रीडिंग दीज ट्वीट्स माय एंटायर वॉइस विल गो इन बीप लाइक या। And he wrote a tweet which was quite funny. Namaskar dosto, one abusive BJP uncle has filed a 20 lakh court case against me because I called him abusive. Bye bye dosto. So now this entire thing became so funny. So the moral of the story is, play victim card when you are innocent. Anyway, now let's talk about one more court ka notice. Yes, notice. ये हमारी प्यारी बोबड़ी सबको बहुत नोटिस भेजती थी, नोटिस भेज दूंगी, नोटिस नोटिस नोटिस। नाउ वन नोटिस केम टू हर, और ये जो नोटिस है ये हिमाचल की कोर्ट ने भेजा है। उसके बाद नाम ट्रेंड करने लगा और बातें ऐसी होने लगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, खतरे में बीजेपी सांसद कंगना रनौत की लोकसभा सदस्यता पड़ सकती है हिमाचल हाईकोर्ट में। आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो, मंडी की सारी चिंताओं को दूर रख के अपनी क्रिएटिविटी में व्यस्त। I like the background music he is using. डबिंग कर रही इमरजेंसी की और उसने हेडफोन्स नीचे रखे और सडनली पीछे से किसी ने बोला अरे हो सकता है सदस्यता चली जाए। Now let me tell you the entire thing. जिन्होंने पूरा मामला उठाया उनका नाम है लायक राम नेगी। उन्होंने कहा कि मैंने जो नामांकन भरा था वो बिल्कुल सही भरा था, फिर भी मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया, अगर मैं चुनाव लड़ता तो जीत जाता। तो अब ये बात उठी है कि क्या इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, और आज ही इसने पहली बार संसद में बोला है। क्या बोला है और क्या बोला है? हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ कि आपने। एंड इफ यू लिसन टू हर स्पीच केयरफुली, वी हर्ड इट एक्चुअली, इसने चार बातें बोली और चारों बातें एक सेंटेंस में बोल दी और लोग समझ नहीं पाए क्या 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 कहना क्या जा रही है। उसने काटकुनी के बारे में बात करी, बड़े सुंदर घर होते हैं वो बनना कम क्यों होते जा रहे हैं, जिसे काटकुनी कहा जाता है, लकड़ी के घर होते हैं, काट मतलब लकड़ी, कुनी मतलब कॉर्नर। फिर ब्रेक लेके थोड़ा समझाना चाहिए, लेकिन फिर वो भेड़ के ऊन से बनने वाले वस्त्रों के बारे में बात करने लगी। वहाँ भेड़ और याक की ऊनों से जो है विभिन्न वस्त्र बनाए जाते हैं। फोक म्यूजिक के बारे में बात करने लगी, हमारे हिमाचल का जो संगीत है। ये सही बात है, इनको बढ़ावा देना चाहिए, टोटली अग्री विद हर। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन था सरकार से, वोकल फॉर लोकल का क्या हुआ? वोकल फॉर लोकल मेरा एक मूवमेंट चल रहा है, इसलिए शी वॉज आस्किंग क्वेश्चन
टू हर ओन गवर्नमेंट। लेकिन हमारे यहाँ पे पूरी तरह से जो है ये जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम लिए जा रहे हैं? गुड, पहली बार अच्छा काम किया। वैसे हो ना हो पर इनकी बातें चलती रहती है पार्लियामेंट में। आई मीन देयर आर सो मेनी गुड स्पीचेस, जस्ट लिसन टू हर। और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ, और साथ ही साथ इस बार बहुत सारे लोगों ने अपनी फर्स्ट स्पीच दी, और सबकी सुनना चाहिए। देश का भविष्य, देश किधर जा रहा है सुनना चाहिए। बोबड़ी की तो आपने सुनी ली, एक और स्पीच हुई, और इतने सालों से आपने देखा होगा कम्युनल बातें बोली गई है, गलत गलत बातें बोलकर एक दूसरे को चिढ़ाया गया है, हिंदू मुस्लिम पार्लियामेंट तक पहुंच गया है। रमेश भुदड़ी साहब आपको याद ही होंगे, हमारे देश का जो फैब्रिक है ना वो बहुत सुंदर है, उसमें हिंदू मुसलमान की फिक्र करे और मुसलमान हिंदू की फिक्र करे तो सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाती है, पर नेता लोगों को कौन समझाए। बट हाँ, एक स्पीच हुई, द स्पीच ऑफ इकरा हसन, एंड एवरीबॉडी इज अप्लॉडेड इट। इन्होंने वैष्णो देवी तक ट्रेन की मांग की, और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं, जो कि बहुत सारे हिंदू चाहते हैं, और सच में सबने बहुत अप्रिशिएट किया। ऑसम, ऐसा ही होना चाहिए, यही देश का फैब्रिक है, सब एक दूसरे की फिक्र करते हैं, बाकी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, पता नहीं कौन लड़वा रहा है। पता है, लेट मी टेल यू, दिस टाइम द स्पीकर इज आल्सो गेटिंग सो मच पॉपुलैरिटी, इनके नाम की तो पूरी एक मीम टेम्पलेट चल रही है, जब विपक्ष बोले तब ये, और जब सत्तारूढ़ पार्टी बोले तो ये। एंड ऑल्सो देयर वॉज अ डिस्कशन गोइंग ऑन नीट, ओके, एंड सडनली किसी ने यूपीएससी का नाम लिया, और बिरला साहब ने कहा नहीं नहीं चुप रहो, हर एग्जाम के बारे में नहीं बोलते, चुप रहो, सारे एग्जामियनों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है, प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। बट मिस्टर बिरला की जो बेटी है उन्होंने अभी अभी यूपीएससी क्लियर किया, डोंट कनेक्ट द डॉट्स। बट लोगों को इस बार पार्लियामेंट में मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि नेताओं की बहस है वो इतनी लंबी लंबी चल रही है, इतनी लंबी लंबी चल रही है, जैसे कि मिस्टर ओम बिरला का हैंडशेक। अरे बस करो, छोड़ भी दो, या स्टिल देयर। पर जो भी चल रहा है शांति पूर्वक चल रहा था, एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन, बट समथिंग वॉज मिसिंग। क्या वो शोर शराबा, चीखना चिल्लाना, छोटी छोटी बातों का बड़ा इशू बना लेना, या रिमेम्बर, पर शायद ये कमी भी थोड़ी बहुत पूरी हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट बांसुरी स्वराज, द वे शी वॉज शाउटिंग एंड द वे शी इज मेकिंग द इंटायर थिंग, याद आ गई इनकी लोगों कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए, और एकदम से पूरे देश को याद आया माफी मांगो, माफी मांगो। तो यार कमी पूरी की जा रही है, माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगो। एग्जैक्टली, बट आवर काइंड रिक्वेस्ट टू बांसुरी, व्हाट, डू नॉट फॉलो हर, क्योंकि एट द एंड यू विल लूज मिजरेबली, बहुत बुरी हार होती है, सो प्लीज कंट्रोल। और उसके बाद तिहाड़ी बहुत बुरी तरह से ट्रोल करता है, सच्ची, हाँ, एंड या इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था, सो बी केयरफुल। एंड इफ यू टॉक अबाउट ट्रोलिंग, आई लाइक इट, ट्रोल तो निर्मला सीतारमन जी ने किया है पूरे देश को, और स्पेशली शेयर मार्केट को। होप एवरीवन विल रिकवर हिज और हर मनी, और रुपी वैल्यू की तरफ तो किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है, अभी पूरा देश मिलकर बोल रहा है उठ उठ उठ। She tried to understand that in your life, whenever you're giving any kind of an equation, be really careful. Because Modi ji gave the equation A plus B ka whole square 2AB, and all this extra 2AB aaya hai. Ye jo extra 2AB hai, wo us waqt se leke ab tak chala hai. Ab tak chal raha hai bhai, sahi baat. Matlab ab ye extra 2AB Andhra Pradesh aur Bihar ho chuke hai. Kitna lag gaya us extra 2AB ke liye. Isliye equations bahut soch samajh ke dena chahiye. When these two guys got so much, other states, अब इतना मिला इनको कि दूसरे स्टेट्स के लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश की हम बात कर चुके हैं, बिहार वाले तो पूछे हैं। बम्पर जीत हुई है बीजेपी की, पर क्या मिला? इतना कुछ नहीं मिला। महाराष्ट्र, मिस्टर एकनाथ शिंदे से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि यार तुम्हारे तो शायद प्रोजेक्ट भी ले जा रहे हैं गुजरात, तुमको क्या मिला? देखो, जो पलटी मार सकता था उससे ज्यादा खतरा, सच्ची। बाकियों का क्या है ना कि अगर उन्होंने पलटी मारी तो हम उल्टी पलटी कर देंगे, ये आप समझ सकते हो क्या बोल रहे चिकारा भाई। हाँ, पर इस बजट ने बहुत परेशान किया है स्पेशली मिडिल क्लास। बजट देख के मिडिल क्लास बस यही कह रहा है कि है परेशानियां यूं तो बहुत सी जिंदगी में, मगर निर्मला ताई सा मुझे कोई तंग नहीं करता। ओ, 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 बस यू गाइस डोंट टेक दिस स्ट्रेस,
All you can do is press the like button. It will reduce the stress. And if you like this series, okay, we loved the video, and I love his use of memes and acts as well. So mazedar and jo shayari boli hai bhai ne, kya hi boli hai bhai, kasam se aise dil ke taar chhu gaye na, maza hi aa gaya, swaad aa gaya. Pair background music dete hue. Take care, bye-bye.